फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। मैं अंग्रेजी में जॉन से आगे निकल गया हूँ, वो क्रिकेट में मुझसे आगे निकल गया है, वो पढ़ाई में तुमसे आगे निकल गई है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं आगे निकल गया है या फिर आगे निकल गया हूँ। मैं आपको बता दूँ, आगे निकल गया है या फिर आगे निकल गया हूँ, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है गॉट अहेड ऑफ, गॉट अहेड ऑफ। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव। हैज़ आप सिंगुलर नंबर के पास यूज़ करेंगे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के पास यूज़ करेंगे, जैसे कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के पास। और हैव आप प्लूरल सब्जेक्ट के पास यूज़ करेंगे, जैसे कि दे, वी, आई, यू, ये सब। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है गॉट अहेड ऑफ। गॉट अहेड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। मैं अंग्रेजी में जॉन से आगे निकल गया हूँ। आई हैव गट अहेड ऑफ जॉन इन इंग्लिश। आई हैव गट अहेड ऑफ जॉन इन इंग्लिश। वो क्रिकेट में मुझसे आगे निकल गया है। ही हैज गट अहेड ऑफ मी इन क्रिकेट। ही हैज गट अहेड ऑफ मी इन क्रिकेट। वो पढ़ाई में तुमसे आगे निकल गई है। सी हैज गट अहेड ऑफ यू इन स्टडीज। सी हैज गट अहेड ऑफ यू इन स्टडीज। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। फिलहाल तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, बाद में उससे बात कर लेना, फिलहाल उसे जाने दो, फिलहाल इसे छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज के स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, फिलहाल के लिए या फिर कुछ समय के लिए, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग इस फ्रेज को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। फिलहाल इसे छोड़ दो, हम इसे बाद में करेंगे। Leave it for the time being, we will do it later. Leave it for the time being, we'll do it later. फिलहाल तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। Go home for the time being, I will handle everything. Go home for the time being, I will handle everything. बाद में उससे बात कर लेना, फिलहाल उसे जाने दो। Talk to him later. Let him go for the time being. Talk to him later. Let him go for the time being.